5 चुनावी रैलियों की कर लेते हैं। देश में 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं। नेता रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिखरा विपक्ष क्या प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली हो रही है, उनका भाषण तो डीकोड हो चुका है। पीएम मोदी अपने भाषण में 5 बातें जरूर कह रहे हैं। हर भाषण में पीएम मोदी गारंटी से लेकर कांग्रेस के न्याय पत्र पर जरूर प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कौन से 5 पंच हैं जिनका विपक्ष के पास कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाते हैं आपको उस स्पेशल रिपोर्ट में। अब की बार ये 2024 का शंखनाद है। ये 4 जून से पहले का ट्रेलर है। पीएम मोदी जहां जहां रैली कर रहे हैं, वहां उमड़ी भारी भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही है कि आने वाले समय में देश पर कौन राज करेगा। देश के लिए कुछ करने का विजन और आगे बढ़ने का लक्ष्य, ये सब बातें पीएम मोदी को बेहतर बनाती हैं। जब पहली बार संसद पहुंचे मोदी, 2014 की इस तस्वीर को देखिए। पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर आए पीएम मोदी संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक हो गए थे। देश ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और मोदी ने ठान लिया था कि देश को झुकने नहीं दूंगा। अब ये तस्वीर 2024 की है। पिछले 10 साल से बीजेपी अगर देश के कई हिस्सों में सरकार बना पाई है तो मोदी मैजिक के सहारे ही करिश्मा बरकरार रह पाया है। 7 समंदर पार भी मोदी का डंका बज रहा है। दुनिया के देश मोदी की नीतियों की सराहना कर रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पीएम मोदी इस बार सिर्फ 2024 की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि 2047 तक की तस्वीर भारत के सामने रख रहे हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि गारंटी के साथ बता रहे हैं कि देश को इस बार किसकी गारंटी मंजूर है। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस मकसद को लेकर जो उत्साह है, वाकई अभूतपूर्व है। ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है, बल्कि उसके पीछे पिछले 10 साल के वो बड़े फैसले हैं जो बीजेपी के एजेंडे में थे। उन्हीं मुद्दों के दम पर बीजेपी सत्ता में आई और छा गई। पीएम मोदी ने वो काम कर दिखाया जिसे चुनौतीपूर्ण माना जाता था। हम आपको वो बड़े बदलाव भी बता देते हैं। 2016 में नोटबंदी का ऐलान, जुलाई 2017 में पूरे देश में जीएसटी लागू, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से राहत, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी CAA पूरे देश में लागू किया गया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। पीएम मोदी के निशाने पर इस बार कांग्रेस है। कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र जारी किया, न्याय पत्र नाम दिया, लेकिन वही घोषणा पत्र अब गले की फांस बन गया है। पीएम मोदी इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने
जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी जिस तरह देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, उससे उनकी मंशा साफ है। यानी यही समय है, सही समय है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये चुनाव देश को विकसित बनाने का है, भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है।